मुझे खुशी हुई कि मैं पहली थी देखने वाली। बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक फिल्म है। एक ही शब्द में बोलूँगी, पिक्चर बहुत ही बेहतरीन बनाई है। आयान मुखर्जी का डायरेक्शन लग रहा है, मेहनत दिख रही है। ब्रह्मास्त्र जो है, सबसे पहली बात है कि टेक्निकली इट इज़ ऑन पार, और मतलब हॉलीवुड की जो टेक्निकल एक्सेलेंस से टक्कर ले सकती है, और इट इज़ ऑन पार। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर आयान मुखर्जी इस मिलेनियम या इस ये डिकेड जिसे 10 साल बोलते हैं, शोमन साबित हो जाएगा। वो शादी के पहले वाला दिखा। वो जो एक रोमांटिक जोड़ी होती है, दोनों की आंखों में प्यार दिखा। रणबीर कपूर 25 साल के लग रहे हैं और आलिया अब 16 साल की लग रही है। तो एक न्यू कपल होता है, जैसे न्यू फ्रेश वैसे लगे दोनों, बहुत सुंदर लगे। और मैं कहूँगा कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है, उनकी एक्टिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे लगी। आई थिंक द सेम कैन ऑल्सो बी सेड अबाउट रणबीर कपूर। लेकिन फिर भी फिल्म के सेकंड हाफ में रणबीर कपूर अपनी पूरी जान डालते हैं। रणबीर को मैं बहुत पसंद करता हूँ एक एक्टर के तौर पर। उनको अप्रिशिएट करने के लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आलिया को आप जानते हैं, आज आलिया बेंचमार्क हैं बॉलीवुड का, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। तो सब कुछ आपके फेवरेट हैं, इसलिए थिएटर में इस फिल्म को देखने आप ज़रूर जा सकते हैं। और इसमें सरप्राइज एलिमेंट तो नेगेटिव रोल में मौनी रॉय है, जो हालांकि टीवी स्टार के हिसाब से उनकी बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत है, लेकिन इस फिल्म में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कि पूरा नेगेटिव रोल उनके ऊपर ही, मतलब फिल्म कैरेक्टर दिया गया है उनको, जुनून का। मौनी रॉय आई थिंक जो पहले लग रहा था कि शायद वो इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक ठाक काम किया। और बल्कि जो उनकी हिंदी है, उन्होंने कुछ कठिन शब्द अच्छी तरह बोले हैं। वही एक मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा आयन की कास्टिंग में। आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट अगेन, दैट्स हिज, आई मीन इट्स हिज मनी एंड इट्स करण जौहर मनी, हिज इमेजिनेशन दैट ही एक्चुअली रोप्ड इन मौनी रॉय। बट आई पर्सनली फेल्ट दैट यू नो ही शुड नॉट हैव, ही शुड हैव गॉन फॉर समबडी हु कुड एक्चुअली डू जस्टिस टू द रोल। Somehow I felt, even after giving a really meaty role to Moni, she could not really hold her ground in the film. Ayan Mukherjee has done a swell job. I would actually want to take the platform to kind of congratulate him, because he's really imaginative right from the very first film, Wake Up Sid, and again Brahmastra ko leke, he proved that he has the Mukherjee blood in him. हाँ, पैसा तो बहुत लगाया है पिक्चर में। जो VFX इफेक्ट है, आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे हॉलीवुड स्टाइल की फिल्म है। हाँ, KGF की सबकी टक्कर की फिल्म है। हाँ, इसके पार्ट्स भी बन रहे हैं 1, 2, 3, तो हैरी पॉटर जैसे सब पिक्चरें आई हैं इंग्लिश की, वो हॉलीवुड टक्कर की फिल्म है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ उसको। तो पैसा तो यूज़ हुआ है पूरा। और फिल्म का अगर मैं कहूँगा एक हीरो है, तो वो है इसके विजुअल इफेक्ट्स। बहुत कम होता है कि हमें हिंदी फिल्मों में ऐसे लार्ज स्केल लेवल के बहुत ही बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मुझे याद है, आई थिंक इससे पहले अगर किसी हिंदी फिल्म में मुझे सबसे अच्छे विजुअल इफेक्ट्स लगे, तो वो थी तुम्बाड़। देखिए, उसका विजुअल, आपने विजुअल इफेक्ट्स की बात की है, सच में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़े साहस का काम है इस तरीके से फिल्म को विजुअल इफेक्ट के साथ बनाना। और आयान ने अपने तरीके से अपनी कहानी या उनकी अपनी रचना है, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे सबसे अच्छा केसरिया लगा सॉन्ग। हाँ, बाकी भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है। दो गाने मुझे बहुत पसंद हैं, केसरिया और एक दूसरा गाना भोले भोले, वो दोनों गाने मुझे बहुत पसंद हैं। जो गाने थे, ऑल ऑफ देम वर सिचुएशनल। बहुत सारे गाने थे फिल्म में, विच एक्चुअली वॉज अ हार्क बैक टू द लेट 70s एंड 80s, बहुत सारे गाने हुआ करते थे, बट कोई भी अचानक से गाना नहीं आ जाता था कि अचानक से गाना हो रहा है। जैसे लाइगर में था, अचानक से घटिया घटिया गाने हो रहे थे, वो भी बकवास गाने। इन दिस फिल्म एवरी सॉन्ग वॉज सिचुएशनल, एवरी सॉन्ग एक्चुअली हैड सम एक्शन दैट वॉज एंटेल्ड टू इट, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या कहना, इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज एक्चुअली अ ड्राइविंग फोर्स इन द एंटायर नैरेटिव ऑफ द फिल्म। डायरेक्शन ही मैं बोल रही हूँ कि उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा VFX इफेक्ट जो है पिक्चर में, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसकी वजह से पिक्चर मैं बोलूँगी आधे से ज़्यादा अच्छी बन गई। बाकी आर्टिस्टों ने कमी पूरी की जिन्होंने अच्छा काम किया। स्टोरी अच्छी है, कहानी, लोग बोल रहे थे आजकल कहानी नहीं है पिक्चर में, कहानी नहीं है, तो इसमें आप कहानी आके देखो, बहुत लंबी कहानी है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये एक मिथोलॉजी फिल्म नहीं है, ये एक कंटेम्प्रेरी फिल्म है, और डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने अपनी एक फैंटेसी दुनिया क्रिएट की है, और इस चीज़ के लिए तो उन्हें दाद देनी पड़ेगी। मतलब वो उन्होंने बता दिया ट्रेलर में कि वो क्या चीज़ है, हमारी कुछ हमारे कल्चर से, कुछ हमारी हिस्ट्री से, उससे थोड़ा बहुत लिया है, और मैथोलॉजी बिल्कुल नहीं है, जो भी है हमारी हिस्ट्री में है और हिस्ट्री ही है। नो, इट्स नॉट अ मैथोलॉजिकल फिल्म, इट इज़ एन इमेजिनेटिव फिल्म।
मिथोलॉजी से, इंडियन माइथोलॉजी से बिट्स एंड पीसेस लिया गया है। मैं 3 स्टार देता हूँ। 5 out of 5 विदाउट डाउट, मेरा बस चलता तो 10 out of 5 दे देता है। तो ओवरऑल इस फिल्म को देता हूँ मैं 5 में से 3 स्टार, और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा ये फिल्म आप देखिए और इसे 3D में ही देखिएगा, बिकॉज इसका आनंद आप 3D सबसे ज़्यादा 3D में ही उठा सकते हैं।